तो so, <laughs> सबसे पहले आता है आपका इसमें इंट्रोडक्शन की वॉट एक्चुअली इज री सो ऑल इनफैंट एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स टू बी मोबाइल और मूवमेंट और टू मेक मूवमेंट बट प्रोसीजर लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट इज नीडेड सो वेरियस टाइप्स ऑफ री स्ट्रेन नाउर डीज ठीक है एक्चुअली ये जो री है ना हम करते हैं ज्यादा किसके ऊपर है जो इनफेंट्स होते हैं इनफैंट किसे बोलते हैं हम इनफेंट्स कौन सा एज ग्रुप होता है बेटा इन एज ग्रुप कौन सा होता है जो है प्रोसीजर है ठीक है ये हमें करने की जरूरत की हुआ है क्योंकि देखो बच्चे भी जो है वो भी मूवमेंट करना चाहते हैं है ना इधर उधर घूमना चाहते हैं लेकिन इसमें क्या रहेगा आपका कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें की कुछ लिमिटेशन होती हैं ठीक है क्या होती है? <laughs> जैसे कि कोई प्रोसीजर है ठीक है तो समझ में क्या होगा हम आ, बेबी को रिस्ट्रेन करते हैं ठीक है थीके? ताकि हम उसके ऊपर प्रोसीजर जो है वो कर सके समझ <laughs> में आया आइडिया मिला आपको थोड़ा सा बेटा ठीक ठीक है, है, एक ऐसा डिवाइस होगा या ऐसी एक चीज होगी आप खुद बनाओगे है ना मिटन से बना सकते हो गॉस से बना सकते हो जिससे कि आप अः मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो किसी की ठीक है किसी की मूवमेंट को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो

तो कैनुला के अंदर क्या होता है बच्चा अपना हाथ हिला सकता है ना तो वो हम क्या करते हैं रिस्ट्रेन करते हैं उसके हाथ को हम रिस्ट्रेन करेंगे पहले और उसके बाद उसको हम कैनुला इंसर्ट करते हैं आप लोगों की क्लिनिकल पोस्टिंग तो अभी तक हुआ नहीं है ना मेरे ख्याल से नो मैम नो मैम ठीक है देन सेकंड पर्पज आता है टू प्रोवाइड कॉन्स्टेंट इमोबलाइजेशन ठीक है का मतलब क्या होता है कई बार क्या होता है जैसे कैनुला कैनुला हमने इंसर्ट इंसर्ट कर दिया बच्चे बच्चे के के है ना करने बाद जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है तो वो अपने हाथ पैर चलाते रह, चल, चलाते रहेंगे है ना अगर बच्चा लेटा हुआ है मतलब चल चल चल, चल अभी वॉक नहीं कर सकता वो तो वो लेटे लेटे ही अपने हाथ से कैनुला जो है वो निकाल लेगा बाहर तो हम क्या करते हैं कॉन्स्टेंट इमोबलाइज करने के लिए किसी एरिया को भी हम रिस्ट्रेन करते हैं किसी एरिया को कॉन्स्टेंटली अगर हमने इमोबलाइज करना हो तो भी हम रिस्ट्रेन करते हैं ठीक है उसमें हम क्या करेंगे हम एक ना स्प्लिंट लगा देते हैं एक सपोर्ट लगा देते हैं कैनुला के नीचे ताकि अगर बच्चा हाथ हिलाए तो वो कैनुला उससे ना हिले ठीक है तो ये सेकेंड पर्पज आ गया देन नेक्स्ट आ, आ गया आपका टू फैसिलिटेट एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड और अ प्रोसीजर ठीक है मतलब बच्चे का एग्जामिनेशन करना हो आपने तो भी उसको हमें कई बार रीस्ट्रिंग करना पड़ जाता है क्योंकि बच्चा हाइपर एक्टिव होगा ठीक है और कोई प्रोसीजर करना हो बच्चे के ऊपर क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको फोबिया होता है डॉक्टर्स का नर्सिस का है ना तो वो प्रोसीजर करते हुए भी उनको हमें रीस्ट्रिंग करने की जो है वो जरूरत पड़ सकती है ठीक है राइट देन नेक्स्ट आता है आपका टू इंश्योर चाइल्ड सेफ्टी एंड ठीक है आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो तो बच्चे की चायल्ण, की चाइल्ड की के लिए ठीक है uh, yes, 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 तो ये फोर पर्पेज है इस टॉपिक के ऊपर का नोट आ जाता है कई बार शॉर्ट नोट आता है कई बार डिटेल में आ जाता है और प्रोसीजर भी आता है आपको

आप अन मतलब किसी को रिस्ट्रेट नहीं कर सकते हो ठीक है इट इट इज तभी आप करोगे करोगे अदरवाइज नहीं देन कैन नॉट बी यूज ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस ठीक है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आप रिस्ट्रेन नहीं कर सकते क्यों क्योंकि उससे निशान पड़ सकते हैं मार्क्स पड़ सकते हैं ब्लड सप्लाई जो है वो बंद हो सकती है है ना तो इट कैन नॉट बी यूज ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस

इस तरह से लगानी है कि अगर जब आप उसको ओपन करो तो वो इजिली रिलीज हो जाए ठीक है इतनी जो आ, बच्चा होगा ठीक है जिसको आपने रिस्ट्रेन किया होगा है ना अब वो वो एक्टिविटी नहीं कर सकता बट आपको उसको दूसरी एक्टिविटी में फिर एंगेज करना पड़ेगा ठीक है ताकि उसकी एक्टिविटी जो है वो चलती रहे राइट <laughs>

No जुगुलर वेन ना नेक से होते हुए निकलती है ठीक तो मतलब है, है, है तो सेम चीज़ है कि जब इस एरिया मम्मी रिस्ट्रेन या जब आर्म्स और लेग्स को हमने इमोबलाइज करना है कुछ लंबे टाइम के लिए ठीक है तब करेंगे या फिर हमें जुगुलर वेन को पंचर करने की जरूरत है बच्चे की तब करेंगे ठीक है देन आता है प्रोसीजर एक मिनट में दिखाती हूँ आपको हाँ ये देखो ये पिक्चर है मम्मी ये नजर आ रही है आपको जब भी आप नेक्स्ट टाइम कॉलेज आएंगे ना आपको ये हाँ डेमो में भी बता दिया जाएगा ये देखो मम्मी में हम क्या कर रहे हैं पहले ये देखो ये नीचे से फोल्ड कर रहे हैं जो शीट है

फिर नीचे वाला जो एरिया होगा उसको फोल्ड करना है पैरों वाली साइड से ठीक है और फिर लास्ट में ये जो आम वाली साइड का था इस तरह से अपने टी स्ट्रिंग करना है तो सीजर में अभी आपको स्टेप वाइज बता देती हूँ <laughs> पिक्चर से थोड़ा आइडिया तो थो हुआ होगा बेटा आपको यस मैम आ गया हां वन सेकंड वन यस मैम यस मैम आप गाना सुनो ना uh, uh, जो प्रोसीजर का बेड ऑट टेबल ठीक है blanket draw sheet spread, spread table, जो ब्लैंकेट uh, है ड्रॉशीट है ठीक है वो जो मतलब आप कुछ ले सकते हैं यू कैन इधर टेक अ ब्लकेट और यू कैन टेक राइट देन यू आर सपोज टू स्प्रेड इट ओवर द बेड ऑट द टेबल जैसे आपको मैंने बताया कॉर्नर की तरफ रखना है एक कॉर्नर जो होगा वो हेड हेड की तरफ होगा एक कॉर्नर जो होगा लेग्स की तरफ होगा और बाकी के दो होंगे दोनों आर्म्स की तरफ होंगे मतलब स्ट्रेट नहीं रखना आपने, करके रखना आपने टेढ़ा करके है है ठीक एंड वन कॉर्नर ऑफ अ स्मॉल ब्लैंकेट इज फोल्डेड ओवर ठीक है जैसे आपको इस पिक्चर में बताया मैंने ये एक कॉर्नर है ना इसका इसको हमने फोल्ड कर दिया लाइक दिस है ना स्टेप नंबर टू ये है ठीक है देन प्लेसड ऑन द ब्लैंकेट विद द नेक एट द एज ऑफ द फोल्ड ठीक है तो जो बच्चा होगा उसको आपने ब्लैंकेट के अः मतलब जो फोल्ड आपने कराया उसकी नेक वहां पे होनी चाहिए ठीक है जैसे आपको पिक्चर में दिखाया मैंने देन कीप वन हैंड ऑफ बेबी नियर द बॉडी एंड रैप द बेबीज बॉडी बाय होल्डिंग द कॉर्नर ऑफ द शीट एंड टक इट अंडर द बेबी इन ऑपोजिट साइड ठीक है ये आपको मैंने अभी पिक्चर में बता दिया है ठीक है तो इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है लाइक like दिस ठीक है ये देखो बच्चे का एक हैंड जो है ये आपने कवर कर दिया है स्ट्रेट है ना हाथ ये देखो ये वाली आम जो है वो स्ट्रेट है और इस तरह से आपने इसको यहाँ से फोल्ड कर देना है ठीक है तो अभी तक हमने इतना डिस्कस कर लिया देन hmm. नेक्स्ट आता है कीप वन हैंड ऑफ बेबी नियर द बॉडी एंड रैप द बेबीज बॉडी बाय होल्डिंग द कॉर्नर ऑफ द शीट एंड टक इट अंडर द बॉडी इन ऑपोजिट साइड ये हमने डिस्कस कर लिया देन नाउ प्लेस अनदर हैंड नियर द बॉडी चाइल्ड बॉडी बाई होल्डिंग अनदर कॉर्नर ऑफ शीट एंड टक इट ठीक है तो दूसरी तरफ से आप फोल्ड <coughs> नहीं करोगे अभी जो नीचे वाला लेग्स uh, वाला साइड से जो कॉर्नर होगा आपने उसको फोल्ड करना है ठीक है नाउ टेक द राउंडेड शीट एट बॉटम नियर द लेग एंड फोल्ड टुअर्ड दीट और वी कैन पिन इट एट लोअर ऑफ द शीट पिन नहीं हम वैसे करते क्योंकि बच्चे को उससे इंजरी हो सकती है ठीक है तो हम क्या करेंगे टक करते हैं उसको टाइटली टक कर देते हैं और ऐसा करने से मम्मी रिस से क्या होगा जो सारी की सारी एक्सट्रीमिटीज होंगी उन सबकी मूवमेंट मूवमेंट्स होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ठीक है जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो ठीक है में, is, like this, जो एक, जो होंगे, आपने उनको टारगेट करना है ड्रॉ शीट ले लो या फिर ब्लैंकेट ले लो ठीक है इट शुड नॉट बी ऑफ लाइक बहुत बड़ी, बड़ा नहीं होना चाहिए इसीलिए शीट बोला है या फिर जो बेबी ब्लैंकेट होता है छोटा होता है ना वो तो उतना साइज का ही लेना है आपने राइट तो ये कॉर्नर हो गया ना इस कॉर्नर को आपने यहाँ रखा इस कॉर्नर को इस तरफ रखा और एक एक कॉर्नर इस तरफ एक कॉर्नर इस तरफ राइट और यहाँ से आपने शीट को फोल्ड बैक किया एंड यू आर सपोज टू प्लेस द द नेक ऑफ बेबी ओवर दिस फोल्ड फोल्ड ठीक है देन उसके बाद से आप इसको बैक करेंगे लाइक दिस ठीक है एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर राइट तो यहाँ पे देखो एक आम जो है उसकी रिस्ट्रेन हो गई है ठीक है एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे लेग्स को रिस्ट्रेन करना फिर लेग्स वाली साइड से हम फोल्ड बैक करेंगे ठीक है मैं आ रही हूँ मैं आ रही हूँ चलो 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 आ रही है मामा गो लेग्स वाली साइड से हम फोल्ड बैक करेंगे देन हम इस तरफ से फोल्ड बैक करेंगे ठीक है समझ में आया बेटा मम्मी ऋषि ना आपको यस मैम यस मैम है ना कुछ, -कुछ मुश्किल नहीं है yes, तर, बस जब आप करोगे ना

वेट बेटा गो बड़ी रोटी यू आर गो ना वो में जाओ बेटा विजिबल है ना स्क्रीन आपको यस मैम यस मैम ठीक है यस मैम हेल्प द बेबी फॉलिंग चेयर हाई चेयर होती है ना बच्चों की आती है जो जिस पर बैठ के बेबी खाना खाते हैं या फिर एक्टिविटी करते हैं कोई या थोड़े बैठने में सपोर्ट देने के लिए बच्चे को बिठाना कैसे है बैठने में हेल्प करने के लिए तो हम हाई चेयर पर बिठाते हैं तो उस चीज के लिए चलो उस चीज से आ, हाई चेयर से बच्चा के नीचे गिर ना जाए ठीक है उसके लिए हम जैकेट रिस्ट्रेन करते हैं देन चांस ऑफ विद जैकेट ठीक ठीक है 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 जो आर लाइक ये ये नहीं इसका इसका एक डिसएडवांटेज आ सकता है, इसको आप डिसएडवांटेज में ऐड कर लेना एक कि जो जैकेट रिस्ट्रेन है उसके अंदर स्ट्रेंगुलेशन के चांसेस जो है वो हो सकते हैं स्ट्रेंगुलेशन का मतलब क्या है बच्चे के ऊपर थोड़ा सा जो है ना दबाव पड़ सकता है इससे ठीक है देन कम्स द प्रोसीजर ठीक है प्रोसीजर में ये देखो हेयर इज द पिक्चर फॉर जैकेट री ये दिख रहा है आपको ये जैकेट है ना जैसे लाइफ सेविंग जैकेट होती है लाइफ सेविंग जैकेट होती है ना उस तरह से आती है ये जैकेट री ठीक है तो बेबी को अगर आपने सुपाइन पोजीशन में बिठाना लेटाना है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं ताकि बच्चा जो है वो सीधा लेटा रहे ठीक है ऐसा हमें जरूरत पड़ सकती है किसी किसी प्रोसीजर के अंदर कि बेबी का हमें जरूरी है कि वो सुपाइन पोजीशन में लेटा रहे काफी टाइम के लिए ठीक है देन वी कैन गो फॉर दिस जैकेट रिस्ट्रेन देन द प्रोसीजर नंबर वन इज अ जैकेट मेड अप ऑफ सॉफ्ट क्लोथ एंड लेदर इज यूज्ड ठीक है किसी भी तरह की जैकेट हो सकती है सॉफ्ट क्लोथ की हो सकती है लेदर की हो सकती है

तो उस तरह से अगर बिठाना है बच्चे को तो बिठाने के लिए जो साइड वाले जो लेसेस होंगे इनको इस तरह से टाई कर देना है साइड से ठीक है आम कमिंग बॉल चाहिए हाँ मा, आप मा, चलो शू चाहिए बॉल चाहिए हम हमारी अभी ठीक <coughs> है देन कम्स चाइल्ड कैन सिट एंड स्लीप इन सुपाइन पोजिशन वाइल्ड वियरिंग जैकेट ठीक है मतलब जो बेबी होगा ठीक है वाइल, वाइल ही इन जैकेट रिस्ट्रेन ठीक है ही कैन इधर सेट और स्लीप है ना और क्योंकि से, बिठा, क्योंकि अगर बच्चा लेटा है बहुत देर से भी है ना तो भी वो आ, मतलब इरिटेट हो सकता है है ना और एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने फीलिंग्स को तो तो थोड़े टाइम के लिए हम हम उसे पोजीशन चेंज कर कर सकते हैं उसके तो हम उसको सेटिंग पोजीशन भी दे सकते हैं और सेटिंग पोजीशन के लिए मैंने आपको बताया कि जो साइड के दो तो लेसेस होंगे उनको हम टाई कर देंगे ठीक है एंड इट कैन आल्सो बी यूज ऑन चेयर ठीक है जो हाई चेयर होती है बच्चे को चेयर पर बिठाना है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो जैकेटरी स्ट्रेन को राइट बेटा समझ में आ गया

तो उस तरह हमें एल्बो रिस्ट्रेन करना पड़ता है कई बार क्या होता है आ, आ, बेबी सिक है तो हमें उसके आ, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब डालनी पड़ती है राइल्स ट्यूब डालनी पड़ती है डू यू नो वॉट इज राइल्स ट्यूब नो no, मैम राइल्स ट्यूब नहीं पता बेटा अच्छा पढ़ा नहीं होगा अभी आपने न्यूट्रिशनल नीड्स नहीं पड़े पेशेंट के okay. अच्छा तो राइस ट्यूब में क्या होता है ना जब जब बेबी ना मुंह से कुछ खा नहीं पाता ना

so. <laughs> हेलो यस मैम हाँ जी यस मैम तो ठीक है एल्बो रिस्ट्रेंट ठीक है एल्बो रिस्ट्रेंट अभी आपको मैंने बताया कि मतलब बेबी जो होगा वो अपने फेस तक अपने हाथ को ना लेके जा सके ठीक है इसलिए हम करते हैं एल्बो रिस्ट्रेन जैसे कि आपको बताया निजो गैस्ट्रिक ट्यूब होती है फीडिंग ट्यूब होती है ना बच्चा कुछ खा नहीं पा रहा है मुँह से तो हम नोज से ना उसके एक, फीडिंग ट्यूब होती है वो हम अंदर इंसर्ट करते हैं जो स्टमक तक जाती है तो हम उस पाइप के थ्रू बच्चे को खाना देते हैं ठीक है थीके? तो अब बच्चे क्या है बच्चा क्या करेगा वो बार बार उस पाइप को निकालने की कोशिश करेगा है ना उसे पता नहीं है कि वो किस पर्पज के लिए है तो उस केस में हम क्या करेंगे एल्बो रिस्ट्रेंट करेंगे उसका ताकि

नोज और लिप्स के अपर लिप के बीच का जो एरिया होता है ना नेजल ब्रिज कईयों में ये होता नहीं है तो ये जुड़ा हुआ होता है है ना तो जब बच्चों का ऑपरेट किया जाता है इस इसके लिए ऑपरेट करने के बाद ना तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो छोटे टाइम पे ही हो जाता है लाइक थ्री थ्री मंथ्स की एज पे ही ये सर्जरी कर दी जाती है तो उस केस में भी बच्चा अपने हाथ फेस के ऊपर बार बार हाथ मारेगा <coughs> बच्चा अपने हाथ, हाथ मारेगा फेस के ऊपर ठीक है? तो उस केस में भी आप ये कर सकते हैं इसमें ठीक ठीक है? है, है, है? कर सकते हैं। Then during, uh, during eczema and skin disorder, बच्चे को किसी तरह का कोई skin disorder है, eczema है, तो उस केस में वी कैन गो फॉर एल्बोरिस्ट्रेन एक्जिमा क्या होता है स्किन एलर्जी ठीक है फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना स्किन के ऊपर तो उस केस में भी एल्बोरिस्ट्रेन yes. किया जाता है राइट देन नेक्स्ट आ जाता है आपका इसमें वेन इंट्रोड्यूसिंग एनी आई वी ठीक है आईवी कैनुला अगर इंसर्ट करना है करो ना करना करो जल्दी से डोंट वेस्ट योर टाइम जब आई वी हमने इंसर्ट करना है आपको मैंने बताया था है ना आईवी कैनुला कहाँ लगेगा आम में लगता है ना फोर आर्म में तो उसमें भी क्या है जो बेबी होगा या चाइल्ड होगा छोटे बच्चे होते हैं, नहीं पता होता तो वो हाथ हिला सकते हैं अपना तो आईवी कैनला लगाने की टाइम पे उसको इंजरी हो सकती है तो उस टाइम पे भी हम क्या करेंगे एल्बो रिस्ट्रेन करेंगे ठीक है <laughs> कर लिया चीला खाओ चलो जाओ मैंगो शेक पियो अपना देन नेक्स्ट आता है आपका एक्सट्रीमिटी रिस्ट्रेन ठीक है ये देखो बेटा एल्बो रिस्ट्रेन की पिक्चर इस तरह से ठीक है ठीके? ये थोड़े हाई फाई है जैसे ये है ठीक है इससे क्या होगा बच्चा ना हाथ फोल्ड नहीं कर पाएगा अपना ये देखो एल्बो के ऊपर आ गया ना ये देखो एल्बो के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ये तो बच्चा अपना हाथ इससे फ्लेक्स नहीं कर पाएगा तो हाथ उसका सीधा ही रहेगा अपने फेस तक टच नहीं कर पाएगा वो ठीक है दिस इज एल्बो रीस्ट्रेन <laughs> ठीक है बेटा और अब क्या है इंडिया के अंदर ऐसे वाले रिस्ट्रेंट नहीं मिलते हैं तो क्या करते हैं हम Uh, कोई भी ना कार्डबोर्ड लेते हैं छोटा सा uh, जैसे कोई भी गत्ता ले गा कार्डबोर्ड ले लेंगे से कॉपी का uh, आप बोल सकते सकते हो कि हम कवर ले सकते हैं ठीक है उसको आधा कट करके ना उसके ऊपर हम बैंडेज लगा देते हैं गॉज पीस होता है ना गोज गोज होता है हमारे पास गोज तो देखा होगा ना आपने <laughs> गोज से कवर कर देते हैं उसको हाँ गोज से कवर करके ना एक प्लेट सी बन जाती है लंबी सी तो उस प्लेट को हम ऐसे बच्चे के हाथ के नीचे लगा देते हैं तो उससे भी क्या है जो बच्चा होगा वो अपना हाथ को फ्लेक्स नहीं कर पाता है फिर ठीक है और हाथ उसका पहुंच नहीं पाता है आ, इस आ, यहां तक अपने फेस तक ठीक है उसकी मैं आपको पिक्चर भेज दूंगी ठीक है सो दिस इज अबाउट द एल्बो री देन आता है आपका एक्सट्रीमिटीज रीस्ट्रेन ठीक है एक्सट्रीमिटीज री जो होगा इसको हम क्लोव हिच री भी बोलते हैं ठीक है एक्सट्रीमिटीज री इज ऑल्सो नोन एज क्लोव हिच

प्रोसीजर so, आ जाता है इसका फर्स्ट अप्लाई द कॉटन पैड ओवर द रिस्ट एंकल टू प्रोवाइड कम्फर्ट ठीक है जब आपने खुद बनाना है आपके पास ऐसा वाला नहीं अवेलेबल ठीक है अः रिस्ट्रेन करने के लिए इक्विपमेंट तो आप क्या करेंगे सबसे पहले आपने कॉटन पैड लगाना है बच्चे के रिस्ट के ऊपर ठीक है रिस्ट पे एंकल पे जहां पे भी आप रिस्ट्रेन करने वाले हो क्यों लगाएंगे कॉटन पैड ताकि बच्चे को एक क्वेश्चन मिल सके ठीक है कुछ नहीं बहुत है क्योंकि अगर आप करोगे उसको तो उससे ब्लड सर्कुलेशन रुक सकती है ना वहाँ वाले एरिया की बेटा आपने बैंडेजिंग का प्रोसीजर पढ़ लिया है क्या फर्स्ट एड में no, क्यों नहीं पढ़ा फर्स्ट एड तो कम्प्लीट हो चुका है ना no, तो हो गया आपका टॉपिक no, पढ़ा है ना यस ऐसा हो नहीं सकता ना पढ़ा हो कैसी बातें कर रहे हो यार तो फिगर ऑफ एट होती है ना उसमें figure of eight कौन सी वाली bandaging में करते हैं हम <laughs> बोलो फिगर ऑफ एट जो है वो हम कौन सी बैंडेजिंग पे यूज करते हैं बेटा कौन सी जगह पे हम फिगर ऑफ एट बैंडेज यूज करते हैं ज्वाइंट पे नहीं करते किसी एक बच्चे को भी आंसर नहीं आता है yes, so, yes, तो कोई भी ज्वाइंट होगा ना ज्वाइंट के ऊपर हम फिगर ऑफ एट बैंडेज करते हैं ठीक है अब उसका प्रोसीजर आपको मैं अलग से बताना पड़ेगा बेटा देन नॉट शुड नॉट बी टू टाइट और टू लूज ठीक है तो जब आप रिस्ट्रेंट कर रहे हो एक्सट्रीमिटीज को इधर फोर आर्म है या फिर लेग्स हैं बच्चे की ठीक है तो उस केस में पहले वहां पे कॉटन पैड लगाना है कॉटन पैड लगाने के बाद फिर नीचे आप स्प्लिंट लगाओगे स्प्लिंट लगाने के लिए बैंडेज का आप इस्तेमाल करोगे और क्योंकि ज्वाइंट की बैंडेज है ज्वाइंट आपने इन्वॉल्व करे हैं तो वहां पे फिगर ऑफ एट वाली बैंडेज आप बनाएंगे ठीक है और जो नॉट आप एंड में लगाएंगे उसके ऊपर ठीक है वो ज्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा लूज भी नहीं होनी चाहिए ठीक है चाइल्ड कैन रिमूव द नॉट इफ इट इज टू लूज ज्यादा लूज होगी तो बच्चा खुद से निकाल लेगा ठीक है एंड अगर ज्यादा टाइट होगी तो उसकी ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट कर सकता है राइट

<coughs> ये देखो इस तरह से नॉट लगाते हैं हम ये दिख रहा है नॉट लगाने का तरीका दिख रहा है ये देखो फर्स्ट आपने इसको ऐसे इस तरह से क्रॉस करना है ठीक है ये नॉट लगाने का तरीका है ठीक है फिर ये वाला जो होगा टर्न ठीक है इसको ऊपर की तरफ यहाँ से निकालोगे और इसको अंदर से यहां से निकालोगे इस तरह से नॉट लगानी है ताकि इजिली जो है वो खुल जाए यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस अदरवाइज आई आई विल सेंड द पीपीटी ऑल्सो इन द ग्रुप ठीक है ये लगाने का तरीका है, बाकी बेटा फर्स्ट एड तो बहुत इजी सब्जेक्ट है फर्स्ट एड के भी आप आंसर्स मतलब देने चाहिए आपको ठीक है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है फर्स्ट एड नेक्स्ट आता है आपका मिटन रिस्ट्रेन ठीक है है होता वो हम आ, बेबी के या चाइल्ड के हम हैंड्स पे करते हैं मिटन री ठीक है ये आप कर सकते हो लाइक इवन यू कैन डू इट विद अ सिंपल कॉटन क्लोथ ठीक है उसे उसके साथ कर सकते हो एक हैंकी के साथ भी आप कर सकते हो राइट सो इट इज यूज्ड फॉर इन्फेंट्स टू प्रिवेंट बर्न्स फेशियल इंजरी और ऑपरेशन एक्सिमा ऑफ द फेस और बॉडी ठीक है तो जो मिटन बीस चेन होगा वो आप के केस में आप यूज करोगे ठीक है ताकि जो बेबी हो बेबी होगा या इन्फेंट होगा वो अपने आप को इंजर इंजर ना करे अपने हैंड्स के साथ ठीक है स्पेशली अगर उसको फेशियल बर्न्स हुए हैं फेशियल इंजरी हुई है या उसका कोई फेशियल ऑपरेशन हुआ है जैसे आपको मैंने बताया क्लेफ्ट लिप है क्लेफ्ट पैलेट है या उसको कोई स्किन एलर्जी है फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर तो अपने आप को वो इंजर ना कर ले इसलिए हम उसके हैंड्स को जो है वो रिस्ट्रैन कर देते हैं ठीक है <laughs> सो so, इसमें प्रोसीजर आ, आ जाता है आपका द हैंड कैन बी रैप्ड बाय गॉज और हैंड कैन बी पुट इन अ बैग लाइक पाउच एंड टाइड प्रॉपरली एट द रेस्ट ऑफ द चाइल्ड अब आजकल तो जैसे न्यू बेबी पैदा होते हैं ना तो उनके मिटन बने आते हैं ऑलरेडी ताकि बच्चा मुंह में हाथ ना डाले अपने मैं आपको दिखाती हूँ एक पिक्चर वेट ये देखो इस तरह से कर ली कर ली ठीक है तो इस तरह से मिटना बना सकते हैं ठीक है आते भी ये बने बनाए भी आते हैं ये बच्चों के भी आते हैं छोटे-छोटे बच्चों के भी आते हैं आजकल कॉटन के बने हुए ठीक है सो द हैंड कैन बी रैप्ड बाय गॉज और हैंड कैन बी पुट इन अ बैग लाइक पाउच एंड टाइड प्रॉपर्ली एट द रेस्ट ऑफ द चाइल्ड ठीक है एक आप uh, कॉटन का एक बैग टाइप बना सकते हो पाउच टाइप बना सकते हो जिसकी आप नॉट्स लगा सकते हो ठीक है और उसमें बच्चे का हैंड डाल के और नॉट्स को फिर बाद में टाई कर सकते हो ठीक है और इवन आप जो है अगर आपके पास क्लोथ अवेलेबल नहीं है पाउच आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उस में क्या करेंगे आप गोस के साथ भी हैंड को बच्चे के रैप कर सकते हो ठीक है देन कीप द मिटन सॉफ्ट एंड इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सर्कुलेशन जो आपने मिटन बनाया है या मिटन अब रीस्टन आपने किया है बच्चे को वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए ठीक है जिससे कि बच्चे के सर्कुलेशन में वो इंटरफेयर ना करे ठीक है हैंड्स की जो फोर आर्म्स की जो सर्कुलेशन है उसको वो अफेक्ट ना करे ठीक है बेटा देना जाता है आपका एबडोमिनल वी स्वेन ठीक है एबडोमल वी स्ट्रेन भी सेम है जैसे कि आपने जैकेट पीस ट्रेन में पढ़ा था ये हम करते हैं किस लिए टू मेंटेन सुपाइन पोजिशन ठीक है एंड कीप इन माइंड द चाइल्ड रेस्पिरेटरी मूवमेंट शुड बी ठीक है सो वन शुड कीप इन माइंड दैट द चाइल्ड रेस्पिरेटरी मूवमेंट शुड बी जब आप एब्डोमिनल एबडोम कर रहे हो ना तो बच्चे का रेस्पिरेशन रेट को ध्यान में रखना है ऑब्जर्व करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है देन फीडिंग शुड नॉट बी इनहिबिटेड ठीक है फीडिंग जो है बच्चे को अगर वो ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो उसकी फीडिंग में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए एब्डोमिनल री ठीक है एंड हम यूज किस किस के लिए करते हैं एब्डोमिनल इन इन्फेंट्स के लिए टॉडलर्स के लिए और प्री स्कूल के लिए ठीक है मतलब वन टू uh, जो फाइव इयर्स का एज ग्रुप है ठीक है सॉरी वन टू थ्री एज ग्रुप है उनके लिए हम यूज करते हैं ठीक ठीक है है <laughs> आते हैं side effects of restrain, अब आप लोग बताओ मुझे येमी yes, आपने इतनी तरह के रिस्ट्रेन पढ़ लिए क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके टेलमी स्टूडेंट <laughs> इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है ना कुछ Yes, बच्चे बताओ ना आकाश कुमार सिंह yes, yes, हाँ. सर्कुलेशन रुक सकता है बिल्कुल हाँ जी और मैम लॉस ऑफ एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी भी सोचते है वेरी गुड और इरिटेशन हो सकती है बच्चे को क्योंकि yes, इंजरी हाँ, भी हो सकती है हाँ इंजरी भी हो सकती है ठीक है गुड वन सेकेंड तो नेक्स्ट आ जाते हैं साइड इफेक्ट्स तो सबसे पहले आता है आपका इंजरी टू द ब्रेकियल प्लेक्सिस ठीक है ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी कहाँ होती है हाथ फोर uh, आर्म के अंदर

अ ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई और वहां पे गैंग्रीन बन गया टिश्यू डेड हो गए वहां के ठीक है देन देयर कैन बी लॉस ऑफ एनर्जी दे दे कैन बी लाइक जो बच्चे होंगे ठीक है दे कैन डिसलाइक द हॉस्पिटल एंड हेल्थ टीम मेंबर्स ठीक है जो इन्फेंट्स होंगे चाइल्ड होंगे वो लाइक नहीं करेंगे हॉस्पिटल मेंबर्स को हॉस्पिटल टीम मेंबर्स को उनसे डरेंगे है ना तो ये भी बच्चे के मन में एक डर बैठ जाता है देन साइकोलॉजिकल लॉस हो जाता है ठीक oh, है साइकोलॉजिकल लॉस कैसे होगा सॉरी फिजियोलॉजिकल लॉस पहले आएगा इसमें जैसे कि बच्चे की मस्कुलर स्ट्रेंथ है ठीक है वो कम हो सकती है फ्लेक्सीबिलिटी कम हो सकती है क्योंकि अगर आपने उसको तीन दिन तक रिस्ट्रेन रखा है तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा है ना उसकी मूवमेंट के ऊपर देन साइकोलॉजिकल हो सकते हैं एंड दे कैन बी इनबिलिटी टू मोटर एंड साइकोलॉजी साइको सोशल स्किल्स अब uh, क्योंकि अब उसको रिस्ट्रेन रखा है दो तीन दिन के लिए तो बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट पड़ा होगा इस चीज का ठीक है तो वो जो अपनी एक्टिविटी जो अपनी मोटर एक्टिविटीज पहले करता था शार्पली अब वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा उस, उसकी वजह से है ना सो दैट कैन बी वन साइड इफेक्ट ऑफ रिस्ट्रेन

Uh, वो अपने पेरेंट्स uh, को जो है एक्सप्लेन करना है अगर बच्चा बड़ा है ठीक है तो आप बच्चे को भी एक्सप्लेन करेंगे देन दिस एक्सप्लेन बाय द प्रोसीजर एंड ऑफ डॉल और ईसीटी ठीक है मतलब आप डमी वगैरह के ऊपर भी उनको डेमो देके बता सकते हो ठीक है कि हम इस तरह से रीस्ट्रेन जो है वो करेंगे पहले ताकि उनकी जो एंजाइटी है थोड़ी सी कम हो जाए देन स्टिमुलेट द बेबी ड्यूरिंग रीस्ट्रेन और गिव डाइवर्जन सो बेबी डोंट फील हेल्पलेस एंड लोनलेस ठीक है जिस टाइम पे आप रीस्ट्रेन कर रहे हो तो बच्चे का ध्यान डाइवर्ट करना है ताकि बच्चे को हेल्पलेस फील ना हो ठीक है

ताकि एक cushioning बच्चे को मिल सके पैडिंग एक मिल जाए ताकि डायरेक्टली उसके बोन के ऊपर या उसकी नर्व्स के ऊपर अफेक्ट ना आए ठीक है तो दैट इज इम्पोर्टेंट पीरियोडिकली एटलीस्ट एवरी टू आवर्स चाइल्ड शुड बी रिमूव फ्रॉम द रीज अगर डॉक्टर ने बोला है कि थ्री डेज के लिए एक आईवी कैनला लगेगा है ना तो अब आई वी कैनला के लिए तो बारी बारी हम नहीं निकाल सकते है ना लेकिन कुछ प्रोसीजर होते हैं जिसमें आप डॉक्टर अलाउ कर सकते हैं ठीक है विदर्स एडवाइस देन बिफोर द रिस्ट्रेन आर रीअप्लाइडीशन शुड बी चेंज टू इमोजिकल फंक्शन ठीक है so this was all about the topic restraints ठीक है में आ बेटा आपको यस मैम ठीक है सिक्स सिक्स के हाँ, के हमने, हमने पढ़े हैं और ज्यादातर है uh, uh, भी होते हैं और इलेक्ट्रिक uh, रिस्ट्रेन भी होते हैं वो हम लाइक uh, like, जो पेशेंट्स जो आप बोल सकते हो असाइलम में होते हैं ना जो पेशेंट्स मेंटली पेशेंट हॉस्पिटल्स में उनको भी हमें कई बार रिस्ट्रेन करना पड़ता है ठीक है तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे ठीक है ओके मैम ठीक है बेटा चलो अटेंडेंस मुझे सेंड कर देना ठीक है क्या कर दू हाँ पीपीटी में सेंड कर दूंगी ठीक है ओके बेटा ओके आपने क्या करा था क्या किया था बताओ। <laughs> हाँ जी बोलो